हिंदी सुलभ भारती आठवी कक्षा पाठ हे मातृभूमि। हे मातृभूमि इस कविता में कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊ, शीश मीन्स सिर, नवाना मीन्स झुकना, भेंट माने उपहार। कवि के मन में मातृभूमि के लिए अपार भक्तिभाव और प्रेम है। उसी भक्तिभाव से प्रेरित होके कवि कहते हैं, हे मातृभूमि मैं अपना सर तेरे चरणों में झुकाना चाहता हूँ। यहाँ पर कवि समरसित की भावना रखते हैं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊ। जिह्वा मीन्स जीव। चंदन मीन्स टीका लगाते, जो भगवान को हम लोग टीका लगाते हैं वो है। और कभी कभी माथे पे हम लोगों का माथा दुखने लगता है, दर्द होने लगता है, तो भी हम लोग माथे पे चंदन लगाते हैं। तो कवि कहना चाहते, कवि पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं, ए मातृभूमि तू ही मेरे माथे पर चंदन की तरह शोभायमान है, मेरे छाती पर माला बनकर तू ही निवास कर रही है, और तू ही मेरे जिभे पर जीभ पर वाणी बनकर गीत गुनगुना रही है, मैं सदैव ही तुम्हारा नाम गाना चाहता हूँ। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी नीच शीश पे चढ़ाऊ। सपूत मीन्स सुपुत्र, उपजना पैदा होना, नीच मीन्स अपना स्वयं, शीश माने शीश। कवि ये कहना चाहते हैं, ये मातृभूमि तुम्हारी गोद में श्री राम जैसे सपूत मीन्स पुत्र ने जन्म लिया था, कृष्ण और राम जैसे सुपुत्र ने जन्म लिया है, वे तुम्हारे मिट्टी में खेले और बड़े हुए, उस मिट्टी को मैं अपने माथे पर लगाना चाहता हूँ। उस पवित्र मिट्टी को मैं मेरे माथे पर लगाना चाहता हूँ। मेरे जीवन में इस कार्यों में धन्य होना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊ। पद यानी पैर, चरण, रज मीन धूल, नित्य मीन प्रतिदिन। समुद्र प्रतिदिन जिसके चरणों के धूल को धोता है, प्रतिदिन समुद्र क्या करता है, जिसके चरणों के धूल को धोता है, मैं उस मातृभूमि को प्रणाम करना चाहता हूँ। क्या बोले है, मैं उस मातृभूमि को प्रणाम करना चाहता हूँ और तेरे चरणों को दबाओ मीन्स नमन करता हूँ, तेरे चरणों को नमन करता हूँ। सेवा में तेरी माता में भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनू सुनाऊ। तज कर मीन्स त्याग कर। हे मातृभूमि मैं तेरी सेवा बिना किसी भेदभाव के करता हूँ, तथा मैं तेरा पुण्यशाली नाम में प्रतिदिन सुनता एवं सभी को सुनाता हूँ। यहाँ पर क्या कहा है कवि ने, तो ये मातृभूमि मैं तेरी सेवा बिना किसी भेदभाव के करता हूँ, तथा तेरा पुण्यशाली नाम मैं प्रतिदिन सुनता हूँ एवं सभी को सुनाता हूँ। तेरे ही काम आऊ, तेरा ही मंत्र गाऊ,
मन और देह तुम पर बलिदान में जाओ। देह में शरीर, बलिदान में प्राणहुति, निछावर करना। तो मैं तेरा ही काम करूँगा एवं तेरा ही मंत्र गुणगान गाऊँगा। मेरा मन एवं शरीर दोनों ही तुम पर निछावर करता हूँ। यहाँ पर लेखक क्या कह रहे, आप क्या बता रहे अपने को? तो मैं तेरा ही नाम, तेरा ही काम करूँगा एवं तेरे ही मंत्र का जाप गुणगान गाऊँगा। मेरा मन एवं शरीर दोनों ही तुम पर मैं निछावर करता हूँ। पद्यांश के आधार पर जोड़ियाँ लगाए। ओ, फर्स्ट माथे पर, सेकंड छाती पर, थर्ड जिह्वा, फोर्थ चरणों, आ क शेष, ख गीता, ग चंदन, घ माला। जवाब है इसका, माथे पर चंदन, छाती पर माला, जिह्वा गीत, चरणों पर शेष। सेकेंड, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। सेवा में तेरी माता में भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊ। तेरे ही काम आऊ, तेरा ही मंत्र गाऊ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊ। एक शब्द में उत्तर लिखो। कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो मातृभूमि के। सेकंड, मातृभूमि के चरण धोने वाला समुद्र। तीसरा, मातृभूमि के सपूत श्री राम कृष्ण। फोर्थ, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम पुण्य नाम। फिफ्थ, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है शीश। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है। फर्स्ट, अल्प विराम। भारत में गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती है। जो यहाँ पर अल्प चिन्ह दिखाई दे रहा है कॉमा, वो है यहाँ पर गेहूँ के बाद, चना के बाद, फिर बाजरा के बाद, ठीक है। सेकेंड, अर्ध विराम इसको कहा जाता है, अर्ध विराम। वह धूर्त आदमी है ऐसा उसके मित्र भी मानते हैं। जो आदमी है उसके बाद जो लगा है उसको क्या बोलते हैं, अर्ध विराम। तीसरा, पूर्ण विराम। यह हाथी है, वह लड़का है, मैं आदमी हूँ, तुम जा रहे हो। यहाँ पर यह हाथी है के बाद जो ये डांडी दिख रही है उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। वह लड़का है इसके बाद जो है उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। फोर्थ, उप विराम। जैसे यहाँ पर दो डॉट दिख रहे हैं उसे कहते हैं उपविराम। कृष्ण के अनेक नाम है, मोहन, गोपाल, गिरिधर आदि। कृष्ण के अनेक नाम है, यहाँ पर जो दो डॉट दिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उपविराम। फिफ्थ, विस्मयादिक बोधक चिन्ह। वाह, आप यहाँ कैसे पधारे। वाह के बाद जो ये यहाँ पर दिखाई दे रहे उसको क्या बोलते हैं, विस्मयादिक बोधक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो इसके बाद जो दिखाई दे रहा है ये इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। विजिट माय वेबसाइट komalahilrao.com।